Hello everyone, this is Avinash Kumar, rank 17, UPSC Civil Services Examination 2022. I come from an engineering background and yet I chose philosophy optional. So, aaj hum philosophy optional ke baare mein baat karenge. I got 319 marks in this subject, 165 in paper 1 and 154 in paper 2. So, sabse pehle baat karte hain ki maine ye optional kyun choose kiya. So, firstly, because I was genuinely interested in the subject. Secondly, it has quite short syllabus, it can be covered in 4 months. And thirdly, I got a good guidance from Mahesh sir of Enlight IAS. I completely relied on his notes for my preparation, and I think it was a good choice seeing the marks that I got in this option. Agar baat kare resources ki, to maine completely Enlight IAS ke jo coaching notes the, us par hi rely kiya hai. Aur halanki baad mein main bataunga ki aap agar कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो किस तरह से आप इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं. क्योंकि ये मेरा पहला मेंस था तो मेरे पास बेनिफिट ऑफ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात करूंगा कि कैसे एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता है इस सब्जेक्ट में. तो जो पहली चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आपको फिलॉसफी में अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस, आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसी भी फिलॉसफर का मेटाफिजिक्स उनकी एपिस्टेमोलॉजी से जुड़ा हुआ है. अगर बात करें चार्वाक की, तो चार्वाक का जो देहात्मवाद है या फिर भूत चैतन्यवाद है, वो कैसे उनकी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे जुड़ा हुआ है. क्योंकि परसेप्शन से आप उसके अलावा और कुछ देख नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी जो मेटाफिजिक्स है वो भी एसेंशियली लिमिटेड है, वो भी मैटर तक ही लिमिटेड है. वो स्पिरिट को डिसरिगार्ड करती है, उसको डिस्कार्ड करती है, वो गॉड को डिस्कार्ड करती है, वो सोल को डिस्कार्ड करती है. तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्चुअली रिलेट करके देखें टॉपिक्स को हर एक फिलोसोफर के, और साथ ही उसको आप अगर इंडियन फिलोसोफर है कोई और उसका एक कंपैरिजन है वेस्टर्न फिलोसोफर के साथ, और दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो वो आप अगर रिलेट करते हैं और आंसर में अच्छी तरह से उसको दिखाते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अब बात करते हैं कि एक अच्छा आंसर कैसा होता है. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आंसर कॉन्टेंट रिच होता है. उसमें उस फिलोसोफर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनका मेंशन होता है. जो कोर आइडियाज़ हैं, जो कि क्वेश्चन में एड्रेस करने को कहा गया है, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा. लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो उस फिलोसोफर ने उसके बारे में बात की है, उसको भी हम पासिंग रेफरेंस में आंसर में यूज करते हैं, सो दैट द एग्जामिनर फील्स दैट दिस पर्सन हैज़ द कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ द फिलोसफी ऑफ दिस फिलोसोफर. और जैसा कि मैंने बताया कि आप आंसर में अगर एक नेचुरल लिंक है इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी के बीच में, तो आप उसे मेंशन करो. और आप थिंकर्स को कोट कर सकते हो, उनकी बुक्स को कोट कर सकते हो, जैसे कि अर्ली विटगेंस्टीन है उनका जो ट्रैक्टिकस है, या फिर लेटर विटगेंस्टीन है जिनका जो फिलोसोफिकल इन्वेस्टिगेशंस है. आप उस बुक्स को कोट करके और फिर उनके आर्गुमेंट्स दोगे तो ये आंसर काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है. और एक चीज़ है कि अगर आपके आंसर में क्रिटिकल सर्वे भी इंक्लूडेड हो उस फिलोसोफर का, तो ज़्यादा बेहतर होता है. अगर क्रिटिसिज्म एक्सक्लूसिवली नहीं पूछा गया है, फिर भी आप 2-3 लाइन में अंत में उसका क्रिटिकल सर्वे कर दो, ताकि आप पता चले कि आप उस फिलोसोफर को इन डेप्थ आपने स्टडी किया है. क्योंकि किसी का भी क्रिटिसिज्म करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए. तो वो चीज़ जब आप आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर काफ़ी रिच लगता है. और एक मॉक आंसर मॉक टेस्ट में मैंने एक आंसर लिखा था, उसको मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक अच्छा आंसर कैसा होता है. तो क्वेश्चन है, डज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एसेंशियली लिमिट द रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो बेसिकली ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बीच जो विवाद चलता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. तो मैंने इंट्रोडक्शन किया था कि निगेटिव लिबरल्स लाइक स्पेंसर, हायक, नोजिक, फ्राइडमैन एट्सेट्रा बिलीव दैट आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज एसेंशियली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मेरिटोक्रेसी. ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद मैंने जो मेन बॉडी है इस क्वेश्चन की कि एसेंशियली लिमिट द रिकॉग्निशन ऑफ द मेरिट, इस पर मैंने निगेटिव लिबरल्स के व्यू पॉइंट दिए, और मैंने कोशिश किया कि उनके एग्जैक्ट जो लाइन है उनको कोट कर सकूं. तो फॉर इंस्टेंस मैंने पहला बर्लिन का लिखा. बर्लिन ने बोला है कि एन ईगल कांट स्विम लाइक अ स्वान, दस एनी एफर्ट टू मेक ईगल स्विम विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. उसी तरह से दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, स्टेट शुड नॉट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी बिकॉज दे कैनॉट बी एंश्योर्ड साइमल्टेनियसली. ये हायक की व्यू है. उसी तरह से थर्ड में मैंने नोजिक के व्यू को रेफर किया कि टैक्सेशन फॉर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक ए बॉन्डेज लेबर. फोर्थ में मैंने एक जनरल पॉइंट लिखा कि देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर पीपल टू कम अप विद समथिंग इनोवेटिव, सो मेरिट विल बी डिस्करेज्ड. फिफ्थ में मैंने लिखा कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है इसकी वजह से अगर आप रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट ना करें और इक्वालिटी को ज़्यादा तरजीह दे. तो
तो ये तो हो गया फॉर द मोशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके अगेंस्ट भी आप इसकी क्रिटिकल सर्वे लिख दो ताकि ये आंसर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो मैंने उसको बिगिन करने के लिए लिखा है कि हाउएवर पॉजिटिव लिबरल्स काउंटर दीज व्यूज बाय फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। नंबर वन, मेरिट कैन बी बेस्ट इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज दैट वे एवरीवन विल गेट द चांस टू डेवलप देयर मेरिट्स। सेकंड पॉइंट, मेरिट एग्जिस्ट्स इन ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, वेयर एवर द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अवेलेबल इट्स साइंस। थर्ड पॉइंट, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ सेम सजेस्ट दैट व्हेन अ स्टेट मेक्स द सिस्टम मोर जस्ट देन मेरिटोक्रेसी इज इनकरेज्ड इन ऑल क्वार्टर्स। फोर्थ पॉइंट, मैंने सोशलिस्ट की व्यू पॉइंट दी है कि सोशलिस्ट से दैट मेरिट इज रिकग्नाइज्ड इन ए कोऑपरेटिव कम्यून बेस्ड सोसाइटी। फिर मैंने मार्क्सिस्ट की व्यू दी है कि मेरिट लाइज इन आइडेंटिफाइंग द यूटिलिटी ऑफ मेरिट फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज। इस तरह से मैंने पांच पॉइंट्स पॉजिटिव लिबरल्स के दे करके और जो नेगेटिव लिबरल का व्यू पॉइंट था उसको काउंटर करने की कोशिश की है। और फाइनली मैंने कंक्लूजन में लिखा है, हेंस इक्वालिटी एंड मेरिट आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्राडिक्टरी एज बोथ कैन बी प्रोमोटेड साइमल्टेनियसली विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एज इन इंडिया। तो इससे मैंने कंक्लूड किया इस आंसर को। तो ऐसे आंसर में आप 60% मार्क्स अचीव कर सकते हो। अब बात करें टेस्ट सीरीज की, तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल में थोड़ी टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको फीडबैक चाहिए होता है कि आप किस तरह का आंसर लिख रहे हैं। तो मैंने तो एनलाइट आई से, जो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने क्लासेस ली थी, उसी में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड था। और मेरी टेस्ट पेपर्स आप उनके वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। शुरुआत में जब मैं टेस्ट लिखता था, शुरुआत के जो दो तीन टेस्ट थे तो मेरे भी काफ़ी बुरे होते थे, लेकिन मैंने टोटल 6 टेस्ट लिखे थे और पाँचवा छठा जाते जाते तक मेरा टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप मार्केट से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें बार बार आप बहुत सारे बुक्स खरीदेंगे तो उनको पढ़ करके और फिर से नोट्स बनाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा और काफ़ी समय बीत जाएगा। तो आप कोचिंग के नोट्स ले लीजिए और कोचिंग के नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और हो सके तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए। और टेस्ट सीरीज अगर ना ले पाएँ तो जो फेलो एस्पिरेंट्स होंगे, जो कि फिलॉसफी ऑप्शन जिन्होंने लिया है, आप उनको अपने आंसर दिखाएं और उनसे अपने फीडबैक लें और फिर आप उस पर इम्प्रूव करें। या फिर आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देख करके भी खुद से इवेलुएट कर सकते हैं अपने आंसर। आप मेरे कॉपी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लाइट आईएएस की वेबसाइट से, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को इवेलुएट कर सकते हैं। क्लोजिंग रिमार्क में मैं यही कहूँगा कि किसी भी ऑप्शनल के लिए प्री कॉन्सेप्ट नोशन बनाना ठीक नहीं है। फिलॉसफी ऑप्शनल में भी पिछले कई सालों से उतने अच्छे मार्क्स नहीं जा रहे थे, 300 क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार अगेन 319 मेरा मार्क्स गया है एंड प्रोबेबली इट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। आई डोंट नो, मे बी समबडी एल्स वुड हैव स्कोर्ड मोर, लेकिन मुझे लगता है इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट लें और अच्छे से उसकी पढ़ाई करें और आंसर राइटिंग वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करें, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।